नमस्कार, मेरा नाम नीरज है, आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भाजपा के लगभग सभी शीर्ष नेताओं ने महागठबंधन के बारे में ऐलान किया था कि चुनाव बाद ये गठबंधन टूटने लगेगा। शायद ऐसा हो भी रहा है। इसके संकेत सबसे पहले मुलायम सिंह यादव ने सपा नेताओं के साथ मीटिंग में दिए। नए संकेत बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती की ओर से आ रहे हैं। इससे पहले कि हम मायावती की अपने पार्टी के नेताओं के साथ हुई मीटिंग के बारे में बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव प्रचार के दौरान दिया गया वो बयान सुन लेते हैं, जिसमें उन्होंने यूपी के सपा बसपा और रालोद गठबंधन के टूटने की भविष्यवाणी कर दी थी। साथियों, अब तक हुई वोटिंग की जो रिपोर्ट आई है, उसके बाद से बुआ और बबुआ के स्वार्थी साथ में दरारें आने लगी है। मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनने के बाद इनकी झूठी दोस्ती सच्चे अर्थ में चूर चूर होने वाली है, जैसे शीशे का टुकड़ा हो जाता है ना। तब बबुआ के कार्यकर्ता बुआ के कार्यकर्ताओं से फिर से ऐसी दुश्मनी निकालेंगे कि बहन जी भी कुछ नहीं कर पाएगी। सोमवार यानी 3 जून को बसपा के सांसदों और जिलाध्यक्षों के साथ मायावती ने बैठक की। मायावती ने इस बैठक में कहा है कि उन्हें सपा के साथ गठबंधन से अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। मायावती ने यह भी कहा कि वो गठबंधन की समीक्षा करेंगे। यूपी विधानसभा की 11 सीटें मौजूदा समय में खाली हैं। इन सीटों के विधायक इस साल लोकसभा चुनाव लड़कर सांसद चुने गए। मायावती ने यूपी की इन 11 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनावों पर अकेले लड़ने के संकेत भी दिए हैं। बसपा प्रमुख ने यह भी कहा है कि 50% वोट पाने का लक्ष्य लेकर हमें राजनीति करनी है। लोकसभा चुनाव के दौरान सपा और बसपा के वोटों के एक दूसरे को ट्रांसफर होने पर चर्चाएं होती रही थी। यादव वोटों के बाबत मायावती ने मीटिंग में कहा कि अपेक्षा के अनुरूप यादव वोट बसपा के प्रत्याशियों को ट्रांसफर नहीं हुए। शिवपाल यादव यानी अखिलेश यादव के चाचा, जो समाजवादी पार्टी से अलग होकर अपनी नई पार्टी बनाए हुए हैं, उन शिवपाल यादव पर मायावती ने भाजपा को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। मायावती ने कहा कि शिवपाल यादव ने भाजपा को वोट ट्रांसफर कराए और समाजवादी पार्टी इसे रोक नहीं पाई। आजमगढ़ की दीदारगंज विधानसभा से बसपा के एक विधायक हैं सुखदेव राजभर। सुखदेव राजभर ने कहा है कि संगठन का ढांचा बहन जी ने बदल दिया है, पार्टी की कई सारी कमेटियों को बहन जी ने भंग कर दिया है। उत्तर प्रदेश के तमाम मंडलों से, जिलों से जिम्मेदार साथियों की जो बैठक बुलाई गई थी, आवश्यक बैठक, उसमें सुश्री भान कुमारी मायावती जी ने महत्वपूर्ण निर्देश उन्होंने दिया कि हम संगठन को फिर से रिव्यू करें और आपस में सर समाज में भाईचारा पैदा करने के लिए उन्होंने संगठन का ढांचा बदल दिया है और वह जिला लेवल पे उन्होंने बना दिया है कि सर समाज को जोड़ने के लिए जिले लेवल पे ढांचा बनेगा। अब तक मंडल लेवल पे था, जोन लेवल पे, लेकिन वह अब जिले लेवल पे उन्होंने एक मजबूत संगठन बनवाने के लिए निर्देश दिया है। उसी में और सब ऐसे संगठनों की कमेटियाँ भंग कर दिया उन्होंने। हमारे जो बूथ और सेक्टर की हैं, सब कमेटियाँ पड़ी रहेंगी विधानसभा, लेकिन और सब भंग कर दिया उन्होंने। चुनाव के पहले सपा और बसपा ने राष्ट्रीय लोकदल के साथ मिलकर महागठबंधन का ऐलान किया था। महागठबंधन के गठन के समय सपा और बसपा ने एक दूसरे के साथ 38-38 सीटें बांट ली थी। कुल यूपी में 80 लोकसभा की सीटें हैं। इस लोकसभा चुनाव में बसपा का प्रदर्शन 2014 की तुलना में बेहतर माना जा रहा है। 2014 में एक भी लोकसभा सीट ना जीत पाने वाली बसपा ने 2019 में 10 लोकसभा सीटें जीती हैं, जबकि सपा के खाते में महज 5 सीटें आई हैं। सपा परिवार के 3 सदस्य धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव और अक्षय प्रताप यादव भी अपना चुनाव हार गए। जो सुखदेव राजभर हैं, इन्होंने ये भी कहा है कि मायावती जी ने चिंता जताई है कि अखिलेश परिवार की 3 सीटें हारने के पीछे शिवपाल यादव बड़ी वजह रहे हैं। गठबंधन टूटने के सवाल पर राजभर ने कहा कि ये तो पार्टी के बड़े नेता बताएंगे कि गठबंधन रहेगा या टूटेगा, लेकिन पार्टी विधानसभा उपचुनाव लड़ेगी।
मीडिया में खबरें आई कि बीते हफ्ते सपा नेताओं के साथ हुई मीटिंग में भी मुलायम सिंह यादव ने आधी सीटें बसपा को देने पर सवाल उठाया था। मुलायम ने शिवपाल को पार्टी से अलग करने पर भी आपत्ति जताई थी। तो ये थी चुनाव के परिणामों के बाद यूपी, जिस महागठबंधन की पूरे चुनाव में बहुत चर्चा होती रही, और ये वो गठबंधन था जब कई सालों के आपसी तनाव के बाद, खींचतान के बाद, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी, जो एक दूसरे की धुर विरोधी रही हैं, एक मंच पर आई। यहां तक कि मुलायम सिंह यादव और मायावती दोनों को एक मंच पर देखा गया। तो तब से हर बार इस गठबंधन की चर्चा होती थी। बीजेपी लगातार ये कहती थी कि ये गठबंधन टूट जाएगा, टूटेगा कि नहीं टूटेगा ये आने वाले वक्त पर मैं पता चलेगा, लेकिन मायावती ने जिस तरह के संकेत दिए हैं और समाजवादी पार्टी के अंदर हुई बैठकों से जिस तरह के सूत्रों के हवाले से खबरें मीडिया में छप रही हैं, उससे यही बात सामने आ रही है कि दोनों पार्टियों के बीच का गठबंधन अभी ठीक ठाक स्थिति में नहीं है। तो इस खबर पर और बाकी सारी खबरों पर भी जो अपडेट्स होंगे और बाकी जो भी नई खबरें होंगी वो आपको दी लल्लनटॉप पर मिलेंगी। ये वीडियो यहीं तक। मेरा नाम नीरज है। इस वीडियो के दौरान कैमरे के पीछे मेरे साथ में रूहानी थे। एक ज़रूरी अपील जो हम जाते जाते करना चाहते हैं आपसे, वो ये कि मोबाइल एप्लीकेशन आपने हमारा अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म से उसे प्लीज़ डाउनलोड करना ना भूलें। शुक्रिया।